नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को सुख प्यार। तो दोस्तों, अभी हम डुमराव में हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर जो है राजू प्रसाद यानी राजू रावत जी, तो इनके पास मैं आया हूं। और यहां पर ये जो है डुमरेजनी मंदिर जो है से यहां पर दर्शन करवाने वाले हैं, और इसके बारे में दो शब्द बता दीजिए जी। हमारे यहाँ पे माता डुमरेजनी का सावन के पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन बहुत भव्य मेला लगता है, अच्छी तरह से पूजा वूजा होती है। तो सावन अब समझिए 2-3 दिन में आने वाला ही है जी। और धूमधाम से अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ आप का मेला जो है बहुत ही भव्य होता है जी। तो देख लीजिए, यही मंदिर है और इसके अंदर हम लोग चलते हैं, और इधर चारों तरफ से फैल है, इधर मेला वगैरह ये सब लगता है दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मंदिर का नजारा जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य है। जय माँ डुमरेजनी डुमराव मंदिर लिखा हुआ है। आगे का जो जो पेंटिंग किया गया है, जो कला किया गया है, बहुत ही सुंदर है। मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। यहाँ कल है, आप देख सकते हैं कि किस टाइप का कल है। ये यहाँ पर चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, थोड़ा सा प्रेशर देने पड़ता है। और ये हवन कुंड है यहाँ पर, और उसके बाद चारों तरफ से मंदिर का मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ, और इसमें माँ का भी दर्शन हम लोग करेंगे। और ये देख लीजिए, चारों तरफ से यहाँ पर दिया हुआ है, और काफ़ी यहाँ पूजा पाठ भी होता है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इधर का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस मंदिर के बारे में राजू जी बताने वाले हैं, बताइए। ये हमारे यहाँ माता डुमरेजनी का मंदिर है, ये माता डुमरेजनी का पिंड है। ये कुछ वर्षों पहले, जब इनका शादी हुआ था, तो ये अपने जो इनके पति थे उनके साथ ये इसी रास्ते जंगल से जा रही थी। तो चेरू खरवार जाति के नाम के कुछ लोग थे, तो उन लोगों ने इनको लूटने के वो से हमला बोला था, तो इनके पति को जो है ये लोग मार गिराए थे। तो ये खुद अपने से उनसे बहुत लड़ी थी, उसके बाद ये अपने आप को ऐसे ही भस्म कर ली। तो ये भस्म हुई उन्हीं के जो है कि राख से उनका पिंड है। ये माता रानी है, और उनके जो डोली था उसके कहार लोग जो थे वो चारों ही है। अच्छा, तो दोस्तों ये जो है मिट्टी का भी लग रहा है, और मिट्टी का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जो कहा जा रहा है कि जो डोली में होकर वो जा रही थी, तो ये चार कहार थे, वही इनको यहाँ पर दिया है, दिखाया गया है दोस्तों, जो इनका भी पूजा पाठ होता है।
दोस्तों हमने यहाँ का मंदिर के बारे में पूरा डिटेल थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे थे, जो हम लोग को गाइड कर रहे थे राजू जी। और तो दोस्तों यही मैं कहूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और तो चलिए बाय बाय। हे गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।